नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश में चुनावी घमासान जारी है। 6 चरणों के मतदान के बाद अब नेताओं ने 7वें चरण के लिए अपनी कमर कस ली है। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं कर वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। 24 के रण को जीतने के लिए नेताओं की बयानबाजी इस बार सियासी पारा बढ़ा रही है और इस कदर बढ़ा रही है कि नेता पद की गरिमा को ताक पर रखकर बयान दे रहे हैं। वो अपने विरोधियों पर हमला करने में इतने खो गए हैं कि राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही है। आखिरी चरण में सियासी गलियारों में हाल ऐसा हो गया है कि मौसम का पारा और सियासी पारा दोनों ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी का यह हाल तब है जब वो अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि 24 के सिंहासन पर बैठेगा कौन। हालांकि इसका जवाब तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण को जीतने के लिए नेताओं के बीच घमासान जारी है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य, जिन्हें कहा जाता है, जी हां, अमित शाह ने यूपी के कुशीनगर, देवरिया और आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। अमित शाह ने यूपी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को राहुल गांधी हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे और ईवीएम पर फोड़ेंगे। आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी पार देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। ये ईवीएम के कारण भाजपा जीती, ये आरोप लगाने वाले हैं। राहुल बाबा, हार का ठीकरा मशीनों पर मत फोड़िए, आपकी पॉलिसी देखिए, इसलिए जनता आपको नहीं बुलाती। इस देश का मौसम राज नहीं आता। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे हैं, पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये दो सहजादे, राहुल बाबा और अखिलेश जी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बलिया, सोनभद्र और वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सोनभद्र में सपा पर हमला करते हुए कहा कि एक एक गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएगा। पहले माफिया पुलिस और लोगों को भगाते थे, आज माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहले जंगल माफिया, लकड़ी माफिया, बालू माफिया, पशु माफिया हावी होकर आपके संसाधनों पर अधिकार करते थे। सोनभद्र में सीएम योगी ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी रिंकी कोल और दृढ़ी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्रवण गौड़ के समर्थन में मतदाताओं को साधा। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई और आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थी, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? जया पाल के पति उमेश पाल, क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी संकल्प, अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो क्यों 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ी है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए। आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास आगे बढ़ा है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब, जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति के लोग भूख से मरते थे, भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे, लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था। पहले माफिया भगाता था पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आ जाया हूं, सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया हावी होते थे,
जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हावी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। देश में अब सातवें चरण का चुनाव बचा है। 1 जून को जनता आखिरी चरण के लिए पोलिंग बूथ पर मतदान करेगी, लेकिन उससे पहले नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपने विरोधियों की कमियों को गिनाकर आखिरी चरण में वोटर्स को अपनी ओर रुझाने में जुट गए हैं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए बयानों का स्तर भी लगातार गिर रहा है। इस बीच मौके की नजाकत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भगवंत मान के सीएम बनने के बाद पंजाब में 85% निवेश कम हो गया है, लेकिन 4 जून के बाद सभी विरोधी जीरो होने वाले हैं। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो भी अंडरस्टैंडिंग है कहीं नहीं है। आज देखा कि ये जब से मान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व संभाला है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 81% कम हो गई है, 85% कम हो गई है। दूसरा उनके वो जो भाई साहब हैं, नहीं केजरीवाल नहीं, वो जो प्रियंका जी के भाई साहब हैं, वो कहते हैं हम पावर में आएंगे, मैं एक्सरे करूंगा खटाखट फटाफट। मतलब मेहनत ये मेरे भाई करें, भाई लोग करें और आके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर जाएंगे। तो इनकी दुकान बंद है, अभी 4 तारीख का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी भी जीरो होने वाली है और बाकी यहाँ पे भी पार्टी जीरो होने वाली है। किसको? बीजेपी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जनसभाएं कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। यहां उन्होंने 3 जनसभाओं में भाग लिया, जिसकी शुरुआत पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर से की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीरा कुमार के बेटे अंशुल को वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बन रहे। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे और 5 जून से महागठबंधन सरकार अपना काम शुरू कर देगी। सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वो ही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 1 युवा को नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं।
अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी, और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है, और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए, कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाए, और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था, वैसे ही फिर से वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला, अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। तो वहीं विपक्ष की ओर से कहे जाने पर कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से लेता ही नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार 2014 में गंवा दी, और जब चुनाव लड़ने गए तो उनके पास सिर्फ एक ही सीट थी और वो उन्होंने गंवा दी। यानी पिछले साल आपको याद होगा, 2019 में सिर्फ एक सीट जीती थी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में। इस पर तंज कसा है मोहन यादव ने। सीएम मोहन यादव ने आगे ये भी कहा कि अगर कांग्रेस का ऐसा ही हाल रहा तो उनके पास एक टेम्पो की सवारी जीतने सांसद बचेंगे। बारे में क्या कहें, उनकी बात कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। जिसकी अपनी सरकार को 2014 में उनने गंवा दिया, दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गए तो सरकार गई 115, 2014 के चुनाव में बचे हैं। 2019 में कुल 52 रह गए एक बस की सवारी की तरह, और अब ये यही हाल रहे तो एक टेम्पो की सवारी रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 8 राज्य की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी फिर से चुनाव के आंकड़े को देख कर रोएंगे। उन्हें पता है कि वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं, और इसीलिए घबराहट में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिर इस बार हताशा, निराशा, और चुनाव आयोग ईवीएम चुनाव के आंकड़े पर रोएंगे, सैड सॉन्ग बजाएंगे। ये व्यक्ति को पता है कि मैं बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहा हूँ, और ये भी पता है कि केरला से उत्तर प्रदेश तक भाग करके आए हैं, वहाँ भी चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, सदन का मुंह देख पाएंगे कि नहीं, इसलिए घबराहट में इस तरह की बयान दे रहे हैं।
लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सातवें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होना भी बाकी है। 1 जून को मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के ज्यादातर नेता जेल में बंद हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी की तुलना नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी में एक दाग भी नहीं है, जबकि राहुल गांधी खुद दागदार हैं। राहुल गांधी, आप नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से तुलना करेंगे अपनी? उनके एक दाग नहीं है और आप खुद दागदार हैं और सारे आपके साथी, कोई को सजा हो गई, कोई जेल के अंदर है। इस तरह की बातें नहीं करें। राहुल गांधी हताश हैं और हताश हैं तो परेशान हैं। आज देखिए वो भी आए, आज मोहन यादव आए, देखिए मेरे क्षेत्र में क्या सभा हुई, क्या उत्साह है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं, कौन, उनका विजन क्या है देश के लिए, कोई आर्थिक नीति है, कुछ नहीं, कुछ छोड़ दीजिए। कभी संविधान लेके चलते हैं, संविधान 2 दिन चला तो आजकल एक नया जुमला शुरू कर दिया, छोड़ दीजिए। ये जुमले वालों की पार्टी है, ये देश नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहता है, विकासशील देश को और आगे बढ़ाने के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ से पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है, बल्कि पीएम मोदी खुद बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खाकर आते हैं। राहुल गांधी का बचाव करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। मोदी जी 10 जन्म भी ले लें तब भी नेहरू नहीं बन सकते। बाकी बात कर रहा हूं। शुरुआत उन्होंने मुस्लिम लीग के एजेंडा शामिल होने की बात की घोषणा पत्र में, फिर बोले आपके मंगलसूत्र निकाल लेंगे, वो बात उन्होंने कही, फिर उसके बाद मछली मटन से लेके भैंस तक की बात आई, अब वो ट्रांस में चले गए हैं, बोलते हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो, मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम सब सामान्य व्यक्ति हैं जो माँ के गर्भ से जन्म ले, वो नहीं मानते उसको, उन्होंने कहते हैं परमात्मा से भेजा हुआ है। ये सारी बातें हैं जो बता रहा है कि उसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा खाते हैं, ये उनका है। अटल जी बस में लाहौर गए थे एक भी, और मोदी जी वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण बुलाए थे, वो अकेले प्रधानमंत्री हैं, तो इनके संबंध है पाकिस्तान से, कांग्रेस का नहीं हो सकता। नेहरू जी को डिफेम करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं, नेहरू जी के पैर की धूल नहीं है। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू जी नहीं बन सकते, उन्होंने देश की आजादी में सर्वाधिक समय जेल में बिताए, उन्होंने देश के नवनिर्माण किए, आज जितने भी इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं वो नेहरू जी के बनाए हुए हैं, जिसके जिस और ये प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत की उन्होंने। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के बख्तियारपुर, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मंच से चुनावी हुंकार भरी। तेजस्वी यादव ने जनसभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर जोर देते हुए कहा कि पीएम पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर गया है कि कोई भी उनका भाषण नहीं सुनना चाहता। साथ ही कहा कि पीएम को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिए, लेकिन पीएम ने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, पीएम सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं,
कई रैलियां कर चुके लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का गौ नहीं बोलते, बेरोजगारी का बौ नहीं बोलते, महंगाई का माँ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया। प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं, मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे, इतनी मर्यादा गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलता है कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गया अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, दो बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो, ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते, इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं, लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। उधर बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पीएम के पाकिस्तान वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, लेकिन आडवाणी जी पाकिस्तानी हैं, वो भारत में आकर बसे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आडवाणी जी पाकिस्तानी है, आके बस गए इंडिया में, है ना, घर अपना दिखा रहे थे जब थे उप प्रधानमंत्री, तो कहीं सरकार नहीं बन रहा, पूरा देश भर में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, सब जगह हवा है कि नहीं बिहार में, आप लोग के हवा देख रहे हैं ना, इसीलिए पगलाइल वालो सब बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, जदयू वाला, सब पागल हो गया है, सब पागल पागल ऐसा बयानबाजी करता है, सब पाकिस्तानी तो वो है, आडवाणी जी पाकिस्तानी।
उधर हिमाचल प्रदेश की धरती से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर हिमाचल में कांग्रेस विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के नेताओं का एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना है और वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए धन बल का इस्तेमाल करते हैं, विधायकों को रिश्वत देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही लेकिन सबसे अमीर पार्टी नहीं बन सकी, जबकि बीजेपी सिर्फ 10 साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। अपने धन बल से आपसे जो चुनी गई सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं, रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है, जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहे जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं और खुशी से सब आपके सामने पेश होते हैं। समय आपके सामने बड़े से बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैमरा निकाल के पर्यटक की तरह खड़े होके फोटो खींचते हैं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं तो वोटों के लिए, आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। हर सामान पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत करे। पहले रोजगार भी मिलते थे खेती से, आज खेती से रोजगार क्या, खुद किसान नहीं कमाता। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खरबपतियों को खुश रहना, खुश रखने की जरूरत पड़ती है। 22 में जो निर्णय हिमाचल की जनता ने लिया वो अपने पूरे विवेक से लिया और एक अच्छी ईमानदार सरकार लाए, और उसी तरह से इस चुनाव में भी अपना विवेक का इस्तेमाल करके, देखिए हमारी जो यहाँ की सरकार है तमाम मुश्किलों के बावजूद दिन रात जनता के लिए काम कर रही है। आपदा आई, हमारे सारे मंत्री, सारे जितने भी विधायक थे सब आए, सब ने मदद की और सरकार ने जितनी भी राशि खर्चनी थी वो प्रदेश सरकार ने ही खर्ची, मोदी जी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं दी, बल्कि जो आना था वो भी रोका हुआ है। तो उनकी नीयत पहचाने जनता और हमारी नीयत पहचाने और ये देखे कि यहाँ पे एक अच्छी ईमानदार सरकार आप लोग लाए हो, इसी तरह से देश में भी केंद्र में भी करिए। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयपुर में राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद गरिमा में है, देश देख रहा है, उनके इन बयानों का फायदा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है ये लोगों ने उसको लाइक भी किया
प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया वो भी फिटेंगे। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, देखो प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है जो पद में बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वो बांसवाड़ा के लिए बोले थे, बांसवाड़ा में चुनाव चलते बोले थे ना, उसके बाद लगातार जो बोल रहे हो वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे, एक्सरे करेंगे आपके घरों के, बांट देंगे सोना जो भी होगा उन परिवारों में, जो ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं आपके घर में, दो भैंस एक भैंस ले जाएंगी, कांग्रेस ले जाएगी भैंस भी ले जाएगी। इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि इस बार पंजाब की जनता कांग्रेस को बहुमत देने वाली है और कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत देने वाली है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, मोदी सरकार पंजाब को डुबाना चाहती है, लोग इसकी नीतियों से तंग आ गए। और इस दौरान उत्तर प्रदेश की मान सरकार इस दौरान उन्होंने प्रदेश की मान सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता पर नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए जीत देने जा रहा है और एक बड़ा फतवा लोगों से कांग्रेस के हक में आने वाला है, क्योंकि पंजाब जो है उसको केंद्र सरकार ने हर तरीके से डाउन करने की कोशिश की है। किसानी को जिस तरीके से मारने की कोशिश की है उससे एक्चुअली वो किसानी को मारकर पंजाब को डुबोना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो किसानी पे इर्द गिर्द घूमती है। अगर किसानी ख़त्म हो जाएगी तो पंजाब बहुत डाउन आ जाएगा। तो ये केंद्र की नीति है जो किसानी को मारने के बाद पंजाब को डुबोने की है, लोग इनकी नीतियों से तंग आ चुके। टोटल कांग्रेस स्वीप करने वाली है यहाँ पंजाब में आने वाले दिनों में। उधर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस का बार बार पाकिस्तान प्रेम जागता रहता है, इनके नेता ये कहते रहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, कांग्रेस की रणनीति से ही हिंदुस्तान का पीओके बना है। के नेता है तो हिंदुस्तान में, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई पाकिस्तान में चुनाव नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नजर है। और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही कि इन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर बनवा दिया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का गुणगान क्यों कर रही है कांग्रेस, ये सवाल खड़ा करता है इनकी मानसिकता को, इनका चेहरा बेनकाब करता है कि हिंदुस्तान से लगाव नहीं, हिंदुस्तान के लोगों से लगाव नहीं, ये पाकिस्तान से जहां से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब उनको इलाज के रूप में मरीज के रूप में लाएंगे, ये मरीज आएंगे कि मिलिटेंट आएंगे ये कांग्रेस बताए जरा। रोने धोने के लिए, मातम मनाने के लिए, क्योंकि देश की जनता इनको नकारने वाली है, बुरी तरह हराने वाली है। जो जाति क्षेत्र और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं ऐसी कांग्रेस और सहयोगी दलों को जनता पटकनी देने वाली है, फिर 40 से नीचे रखने वाली है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ लालू प्रसाद जी का परिवार जिस तरह शोर मचा रहा है उससे ये दिखता है कि सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने देश को लूटा उसी तरह कांग्रेस ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं उससे यह स्पष्ट झलकता है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में
इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह उधर पंजाब के जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का कहना है कि वो पंजाब के सीएम को पद से हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए वादा किया कि जीतने के बाद संसद में आपके मुद्दों को उठाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को चैलेंज करके गए हैं कल अमित शाह, बोले 4 जून के बाद आपने जो सरकार चुनी है, पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जो सरकार चुनी है उसको बर्खास्त करके आपके मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। इतनी तानाशाही हो गई इन लोगों की, ये हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है देश के अंदर। आप लोगों से आज मैं मांगने आया हूं, ये 13 की 13 सीट हमको दे दो, लोकसभा के अंदर केवल पंजाब ही गूंजेगा वो दोस्तों। 5 साल उठा के देखो, 10 साल उठा के देखो, जितने लोगों को आपने लोकसभा में भेजा किसी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। आप 13 MP हमें दे दो, लोकसभा के अंदर पंजाब की समस्याएं उठाएंगे। जितने मसले लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के साथ हैं वो सारे मसलों का समाधान करके लाएंगे दोस्तों। और एक बात है, अगर आपने इन लोगों को जिता दिया, बीजेपी वालों को वोट दिया, बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, इनका वोट बेकार हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।